देखिए अपराध की बात, चूंकि अभी इसके पहले जो सरकारें लगातार चली हैं उन्होंने सीधे राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। आज अपराधी, उस समय हम लोगों ने कहते थे हम लोग कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो उसमें बैठा गुंडा, उस पर पूरी लगाम लगाने का प्रयास हुआ है। कि विवेक तिवारी की हत्या लखनऊ में जब होती है तो पूरा विपक्ष लपटता है, लेकिन जिस तरह से उसको हैंडल किया मोदी जी ने, योगी जी ने, आज हालात है कि उनकी पत्नी कल्पना तिवारी कहती है कि योगी जी से हम संतुष्ट हैं, यूपी सरकार से। पूरी लगाम लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर घूम रहे हैं, ये अलग बात है। छिटपुट जो घटनाएं हैं, आने वाले दिनों में देखिएगा जिस तरह का कल्याण सिंह का शासन था, योगी जी का शासन भी उसी तरह गुंडों वनवासों के लिए कहर होकर उभरेगा। और डीजल पेट्रोल की कीमतें जहाँ तक आप कह रहे हैं, उसके लिए अभी नरेंद्र भाई मोदी जी ने तेल कंपनियों की बैठक बुलाई थी, संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। तय हुआ सऊदी अरब से भी हम तेल, आने वाले दिनों में तेल की कीमतें निश्चित घटेंगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। 2.5 रुपया घटी भी थी, ये अलग बात है कि विश्व व्यापार के चलते, लेकिन सऊदी अरब से भी तेल लेने का फैसला ये प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा फैसला।